जब भी आप झम्पीर के स्टेशन पर से गुजरेंगे तो आपको कैंजर झील नज़र आएगी, जो भी चलती ट्रेन से हम आपको दिखाते हैं। यह कैंजर झील का पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको कराची वाले मकामी जबान में करली झील भी कहते हैं। यही एक मशहूर पिकनिक पॉइंट है। पिछला हिस्सा हमारी तरफ है, रेल की तरफ एक साइड, और इसका अगला हिस्सा नेशनल हाईवे पर पड़ता है। ट्रेन से उतरने के बाद हमने ये गाड़ी करा ली है। ये हम बाउंड्री वॉल पे चल रहे हैं केंद्र झील की। ये सड़क है सर, ये देखिए बहुत किस तेजी से आ रही है। ये सीढ़ियाँ बनाई हैं नीचे साइड पे जाने के लिए। इस वक्त हम केंद्र झील पर है, जो आप मनाली देख रहे हैं। आगे नूरी जान तमाशी का मजार है, हमने वो भी दिखाना है आपको। देखिए ये मेरी बैग पर आपको केंद्र झील नज़र आ रही होगी। इसमें कुदरती तौर पे दो रंगों का पानी है। इस तरफ से देखें तो आपको ये नीली नज़र आएगी, दिखाएं ज़रा, और आगे से आपको ये हरा पानी। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर है। कराची वालों के लिए केंद्र झील एक तोहफे से और इनाम से कम नहीं है। इस वक्त इन घटाओं का अक्स पानी पर पड़ रहा है, और पानी की आप चमक देखें। इस ठंडे ठार मौसम में ये कबाब हम बना के लाए, चपली कबाब। इकाए फोकस करें, दो सेहतमंद इंसान आपको नज़र आ रहे होंगे। नाज़रीन, टायरों के ऊपर जुलूम हो रहा है। ये मुझे दो कश्तियाँ किस तेज़ी से रेस लगा रही हैं आपस में। एक हरी है, एक सफ़ेद है, और ये सफ़ेद पूरी कोशिश में है कि हरी को हरा दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र आ नहीं रहा। अब हम एक बोट में बैठ गए हैं लाइफ जैकेट पहनकर, और नूरी जाम तमाची के मज़ार पर जाने का हमारा इरादा है। कश्ती वाले से मेरा अभी बात हो रही है, उसने मुझे बताया टेस्ट ड्राइव के लिए जा रही है पहली दफा। सीधा नूरी जाम तमाची पे रोकना जाकर। कितने बंदों की? समंदर के पानी की दुआ भी पढ़ना चाहिए, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूर रहीम। ये पानी के सफ़र की दुआ होती है। इसको आदमी को जब भी पानी का, समंदर का, नहर का, झील का कोई सफ़र करे उस पर ये पढ़ना चाहिए। इस वक्त ये सोचा कि हिम्मत का गुजारा करके एक मरतबा हम नूरी जाम तमाशी के मजार पे जाके सलाम दे दें। आमीन। और नाज़रीन देखिए, इस वक्त हमारा सफ़र नूरी जाम तमाची की तरफ रवा दवा है। ये हमारी पूरी क्रिकेट टीम जा रही है। हम पानी पे वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसे पानी पे महसूस करना चाहिए। बहुत मज़ा आ रहा है। आसिफ भाई आप बताएंगे कुछ? नूरी जाम तमाची रहमतुल्लाह अलैह का मजार, ये सीढ़ी लोग खड़े हुए, ये लोग इस तरह जाने का। ये सीढ़ी है, यहाँ से ये देखे कश्तियों से उतर के लोग इस सीढ़ी के जरिए आते हैं, और यहाँ पे फातिहा खानी करते हैं। फिलहाल हम नूरी जाम तमाची रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँच ही गए हैं हिम्मत करके। आप देखें किस तरह गहरे पानी के अंदर घंघोर घटाओं में चारों तरफ ये देखें, ये गोलाई में बनी हुई है कब्र। ये चारों तरफ से मैंने मंजर ले लिया। ये हमारे वो साथी हैं नाज़माबाद के, जो हमारे साथ आए हैं, कासिम, फैज़ान, साद और मोहसिन। ये माय नूरी लिखा हुआ है। और ये शाह हंडोरो, ये इन बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। आप देखिए चारों तरफ पानी है। जब आप यहाँ तक आए तो फिर इस कब्रों की ज़ियारत और इत्तेफ़ाक़िया करना लाजमी बनता है। ये आए और अब ये आए।
फौनस भी आते हैं भाई, ये तो बुजुर्गों की बस मतलब करामात ही कहेंगे, करामात है, बिल्कुल ये करामात है औलिया अल्लाह की। गहरे पानी के अंदर किस तरह ये खूबसूरत छकड़ा, इसे कहेंगे उर्दू में, वो खड़ा किया हुआ है।